पहला शमूएल अध्याय 24 कुलपद 22। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इसराइलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनैले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर की भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके पीछे दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली परंतु तुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका आहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इसराइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। दाऊद शाऊल से ये बातें कह ही चुका था कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की, और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इसराइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश ना करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूंगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया।